फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसके उपयोग से आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में फल और फूल आएंगे, क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं वो भी इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करके छोटे से छोटे प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग लेते हैं। और आपने भी देखा होगा, जब भी आप नर्सरी जाते हैं किसी भी प्लांट को लेने के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा 10 से 12 पत्तियों वाले पौधों में भी फूल खिले हुए रहते हैं और बहुत ही उनका कलर ब्राइट रहता है। तो ये फर्टिलाइज़र वही फर्टिलाइज़र है जिसे नर्सरी वाले अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। मात्रा यदि आपको सही पता नहीं है तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट को नुकसान भी पहुंचाता है। तो आज मैं आपको इस फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, किस तरह से उपयोग करना है और कौन कौन से प्लांट पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ ही इस फर्टिलाइज़र के प्लांट्स को क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे के बारे में यदि बात करते हैं तो इस फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, साथ ही कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। तो फास्फोरस की वजह से प्लांट में जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है और नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। छोटे से छोटे पौधे में भी फूल आने लगते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, क्योंकि जड़ों की वृद्धि अच्छी से होती है फॉस्फोरस की वजह से। तो बहुत अच्छी ब्रांच आती हैं और ब्रांच में कलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल फल सब्जियाँ पाने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है और आप इसको महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। बात कर लें किन किन प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी फल और फूल वाले पौधों के लिए उपयोगी है, आप इसको आसानी से पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र है DAP। इसका आपने नाम सुना होगा और ये प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होती है और अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, और हमारे प्लांट में फल फूल लाने के लिए फॉस्फोरस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको डालकर अपने प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, और प्लांट आपका यदि बिल्कुल मुरझाया हुआ या उसमें ग्रोथ रुक गई है तो इसको आप एक बार यूज़ ज़रूर करें। यूज़ करने का तरीका जानना ज़रूरी है, दो तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट मिट्टी में इसके ग्रेन्यूल डाल सकते हैं या फिर इसे लिक्विड फॉर्म में बनाकर डाल सकते हैं। तो ग्रेन्यूल हमें किस तरह से डालने हैं, इस तरह से आपको पॉट की साइज़ देखनी है। पहले पॉट की साइज़ आपकी छोटा पॉट है या बड़ा पॉट है, ये देखिए ये पॉट बड़ा है, तो इसमें मैं 10 से 12 दाने DAP के डालूँगी। DAP के दाने डालने के पहले आपको देखना है मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नम रहनी चाहिए, एकदम गीली भी नहीं और एकदम ड्राई भी नहीं। और उसको साइड से स्टेम से थोड़ा दूर हमें इसकी जगह बना लेनी है और इन ग्रेन्यूल्स को इस तरह से डालना है। तो ये तो एक तरीका है DAP डालने का प्लांट में। इसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल देना है, ये पानी में घुलनशील होता है DAP, और धीरे धीरे पानी में घुलकर और प्लांट की जड़ों को पोषक तत्व देता रहता है। इसके बाद लिक्विड फॉर्म इसका बनाने के लिए, इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और इसमें 8 से 10 दाने डाल देने हैं। ये बड़े पॉट के लिए है क्वांटिटी, यदि छोटा पॉट है तो आप 4 से 5 दाने ही डालें। इसके बाद इसे आधा घंटे रखना है, जब ये ग्रेन्यूल्स घुल जाएंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करके इस तरह से आपको प्लांट की सॉइल में डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये आप भी अपने प्लांट में यदि फूल और फल अच्छी मात्रा में चाहते हैं तो इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।